हेलो फ्रेंड्स, कविता बनारसी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने टमाटर और कच्चे आम की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब चटनी। गर्मी का सीजन आ ही चुका है और सादा सभी के घर में खाना बनता है, तो ये चटनी बनाइए और एंजॉय करिए, आपका खाना का स्वाद और दोगुना हो जाएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम दो टमाटर लिए हैं, पुदीना थोड़े से, आम कच्चा आम, मिर्च और लहसुन और धनिया, ये सब आज हम खट्टा मीठा बहुत ही टेस्टी जो आप खाना के साथ या कोई पकौड़ी या चाट के साथ कुछ भी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं ये चटनी। देखिए, हमने मिक्सर ग्राइंडर लेके उसी में हम सारे जितने टमाटर, मिर्च, लहसुन, पुदीना और ये टमाटर जो है ना, उसको हम पीसेस में कट करके डालेंगे। ये सब हम काट करके डाल देंगे मिक्सर में। ये टमाटर तो का चटनी जो आप देख रहे हैं ना, इसको तो देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये हमने काला नमक डाल दिए हैं और चीनी 1 टीस्पून, स्वाद के अनुसार हमने नमक भी डाले हैं। और ये देखिए, हम वाइट वाला नमक भी डाले हैं, स्वाद के अनुसार सारे हम नमक इतना डाले हैं कि ज़्यादा ना हो, बराबर ही मैचिंग रहे। और इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा और बहुत ही टेस्टी चटनी बना करके हमने तैयार कर ली है। इसको आप कोई चीज़ के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसको हम प्लेट में या कटोरी में सर्व कर रहे हैं। हमने तो सारा नमक वमक पहले ही से डाल दिए थे। ये देखिए, हमने पालक के पकौड़े बना करके तैयार किए थे, उसी के साथ आज हम सर्व करेंगे। हमने इस तरीके से पकौड़े बनाकर तैयार किए थे। और ये है आलू के पकौड़े। आप इस सभी चीज़ों के साथ, कोई चीज़ के भी साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। हमने ऐसा खट्टा मीठा चटनी बना करके तैयार किया है, बहुत ही टेस्टी। और जब इसके साथ आप जब खाएंगे ना, तो आप तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।